हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड और जानेंगे इसको फुल डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो आपको बस टाइप करना है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको मेरे टेलर चैनल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड वैकेंसी, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी, चाहे वो आपका जो है साइंटिस्ट रिलेटेड पोजिशन हो, इसके अलावा जो है चाहे वो आपका पीएचडी नोटिफिकेशन, एमएससी एंड बीएससी नोटिफिकेशन, तो इन टाइप के वीडियोस को मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है सीएसआई जीआरएफ, यूजीसी जीआरएफ, आईसीएमआर जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ, या आप जो है बीएससी एमएससी इंट्रेंस एग्जामिनेशन या पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं अपना जो बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर मैं यहाँ पे वीडियोज जो है वो भी बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे बायोलॉजी कंटेंट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उन सब के जो वीडियोज यहाँ पे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आया यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, जो कि नैक एडिटेड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जैसे आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे CUH.ac.in, ऐसे आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स के लिए यहाँ पे जो है लाइक सब्जेक्ट मैंसन कर रखा है, जैसे क्लिक है तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंप्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस टीचिंग पोजिशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस टाइप का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्कूल इन्फॉर्मेशन कर रखा है, साथ ही डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं, चाहे वो अगर आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ एजुकेशन, बैकलॉग है CST, बैकलॉग है OBC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्न स्कूल और डिपार्टमेंट मैंसन कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, क्योंकि ये भी मेरा ही लाइक फील्ड है ये, तो मैं इसी फील्ड को चूज करता हूँ। तो स्कूल ऑफ बेसिक साइंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है यहाँ इन्होंने निकाला है। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है अप्लाई करने को 30 सितंबर 2021, और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था ये 8 सितंबर 2021 को रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे देखिए फॉर द पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो रेगुलर रिक्रूटमेंट, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट है, और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका, ठीक है। अब देखिए स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों की वैकेंसीज को निकली है तीनों पोस्ट के लिए। और अच्छी बात यहाँ पे ये दे रखा कि है कि यहाँ पे जो है वैकेंसीज को स्प्लिट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जनरल या नॉन रिजर्व, SC ST, OBC, EWS, PW BD, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो अगर आप जो है जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसी निकली है। अगर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो यहाँ पे ST की 1 है, 1 OBC है, 2 अनरिजर्व है। तो अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो है पूरा आपका रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया, आपको यहाँ पे कैटेगरी वेटेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पे लेवल्स की, तो देखिए प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 का यहाँ पे ग्रेड आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी लाइक कंडीशन है वो एज पर UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। अब देखिए लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की, वो 30 सितंबर 2021 है। एप्लीकेशन फी अगर हम बात करें तो अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़। वहीं अगर बात करें कि अगर आप SC ST PW BD या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे PhD डिग्री जो है कंपलसरी होना चाहिए, जो कि UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग जो है आपका PhD जो है वो कंपलसरी होना चाहिए अगर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जो कि अफिलेटेड होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आपका MSc और नेट के बेस पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको PhD करना जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपका डिस्कस कर लिए हैं।
इसके अलावा अगर आप किसी और जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मेंस ऑन द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपको एनओसी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। अब आप एप्लीकेशन फिलअप कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको जाना है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेजेस टीचिंग पोजिशन। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है लाइक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो इन्होंने मैंशन कर रखा है प्री रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड जनरल रजिस्ट्रेशन फिर प्ली बिफोर क्लिकिंग रजिस्टर बटन, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको दिया उसे अच्छे से पढ़ें। आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल है आप उसी सब्जेक्ट को अप्लाई करो, उस पूरा एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल पासवर्ड और मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको दोबारा लॉगिन करना है विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको अटैच करना है, और वेरिफिकेशन कोड अगर आप डालेंगे तो आप यहाँ पे फिर लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जहाँ पे आपको जो है आपका फोटो सिग्नेचर और आपकी जो लाइक एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारा आपको लाइक मेंशन करना है, और आपकी कैटेगरी कैटेगरी बतानी पड़ेगी अगर आपको रिजर्व कैटेगरी आपके पास है। तो इस तरह से जो है आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली इसके होम पेज पे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी लाइक केस से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है और अदर यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर रखे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेस्ट टीचिंग गेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पे दे रखा है, तो अगर आप इसके लिए लाइक अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए गेस्ट फैकल्टी के लिए भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने मैंशन कर रखा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, ये टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट अलग दे रखा है, तो ये गेस्ट फैकल्टी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका सारा डिटेल है लाइक आपका नेम, आपका लाइक पूरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी 10th 12th एमएससी बीएससी पीएचडी या एमफिल जो भी आपके पास है, उसके अलावा आपके नेट आपने कब क्लियर किया, किस सब्जेक्ट में किया, रोल नंबर, ईयर, पोजिशन, वो सारा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका डिजिग्नेशन स्केलों पे, अगर आप कहीं आपने जॉब किया या आपके जो है करंट पोजीशन के अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपने के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितने साल पढ़ाया है, पीजी में कितना पढ़ाया है, पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस आपका कितना है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे जो है पूरा लाइक फिल कर सकते हैं अगर आप जो है आप अप्लाई कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो यहाँ पे पब्लिकेशन भी अगर आपके पास है या बुक चैप्टर या रिसर्च पब्लिकेशन या अदर पब्लिकेशन तो वो भी आप यहाँ पे जो है यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप या ट्रेनिंग भी अटेंड किया है तब भी आप जो है इसके लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप फिलअप कर सकते हैं, इससे आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने मेंशन कर रखी है गेस्ट फैकल्टी के लिए, ये तो अलग चीज़ हो गई। हमने आपके साथ जो है परमानेंट पोस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आप लाइक टीचिंग या गेस्ट फैकल्टी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी भी पोजिशन निकाली गई है, साथ ही साथ जो है परमानेंट टीचिंग पोजिशन भी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें भी एलिजिबल हो, आप उसको जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लगा से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।